हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 8 का चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, फिर हम आपको आज बताएंगे सेल वॉल क्या होता है। आपको आज ये पता लगेगा कि सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होता है या एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है या कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग बातें करेंगे प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बारे में। इसमें सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सब लोग कन्फ्यूज होते हैं प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में। छोटा सा इस दोनों में डिफरेंस होता है, वो क्या डिफरेंस होता है हम लोग लेक्चर में समझेंगे। बहुत जगहों पर आप प्रोटोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को सिनोनिम्स के तौर पर यूज कर दिया जाता है, बट यूज नहीं करना चाहिए, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कई लोगों को सेल मेम्ब्रेन में कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आपको जो जो छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आप सब लोग कॉपी निकालिए और कॉपी में हेडिंग डालिए सेल मेम्ब्रेन, राइट। कॉपी में हेडिंग डालिए सेल मेम्ब्रेन। चलिए सबसे पहले आप एक सेल बनाइए। सेल मेम्ब्रेन, सेल किसी भी शेप का हो सकता है, आपको जैसा मन है वैसा सेल बनाइए। चलिए किसी का मन किया तो गोला बना देगा, किसी का मन किया तो ऐसा बना देगा, किसी का मन किया तो ऐसा बना देगा सेल, ठीक है। ऐसा सेल बना दिया, तो इसका जो बाउंड्री है, ये जो सेल है ना, इसका जो बाउंड्री है, इसी का नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम इसको? बाउंड्री जो है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शॉर्ट में इसको हम क्या बोल देंगे? पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है जल्दी बताइए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस सेल में ये क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चाहे कोई भी सेल हो उसमें क्या रहेगा? एक कवर रहेगा, उस कवर का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी का एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोल देते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऊपर लिखा हुआ था सेल मेम्ब्रेन, इसको आप क्या बोल सकते हैं? और इसको आप क्या बोल सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी का एक और नाम होता है प्लाज्मा लेम्मा। क्या नाम होता है? प्लाज्मा लेम्मा। ये तीनों वर्ड सिनोनिम्स के तौर पर यूज किया जाता है, जो आपको याद रखना है, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, सेल का बाहरी कवरिंग है, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। कोई भी सेल रहेगा, ठीक है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, सब के सब सेल में पाया जाएगा। बोथ प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाएगा। क्या चीज में? बोथ प्लांट सेल, प्लांट्स एंड एनिमल सेल, ठीक है। चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, सब में सेल मेम्ब्रेन रहेगा। इवन बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसमें भी रहेगा, इवन बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसमें भी रहेगा, ठीक है। बैक्टीरिया का सेल में क्या क्या होता है सबको पता है? बैक्टीरिया कैसे होता है? जैसे ये उसका सेल हो गया, इसके बाहर और भी कवरिंग होता है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है, जब सेल वॉल पढ़ाएंगे तब। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत? अब ये जो मेम्ब्रेन होता है, ये जो कवर होता है, ये क्या करेगा? उसको प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा कंटेंट ऑफ द सेल को। ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ द सेल, कंटेंट ऑफ द सेल। जैसे आपका जो घर होगा, आपका जो घर होगा उसके चारों तरफ क्या किया होगा? बाउंड्री किया होगा, ताकि कोई भी चीज, बाहरी चीज अंदर ना आ जाए, ठीक है। जैसे बाहर से कोई जानवर अंदर ना आ जाए, चोर वगैरह अंदर ना आ जाए, उसके लिए
घेरा हुआ रहता है, बाउंड्री किया हुआ रहता है। तो जैसे बाउंड्री क्या करता है, घर के हमारे सामान को रक्षा करता है, वैसे ही ये जो सेल के अंदर जो भी चीज पाया जाएगा, जो भी चीज पाया जाएगा सेल के अंदर, सबका रक्षा क्या करेगा बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्रोटेक्ट कंटेंट ऑफ द सेल, ये जो सेल का कोई भी जो कंटेंट सब है इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। समझ में आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन सेल का शेप भी देता है, ठीक है, सेल का शेप भी देता है, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, गिव्स शेप टू द सेल। ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं है, गिव्स शेप्स टू द सेल, सेल का शेप भी देता है, लेकिन प्लांट सेल का शेप देता है सेल वॉल, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। ये क्या है, इट फॉर्म ए बाउंड्री बिटवीन द सराउंडिंग मीडियम एंड कंटेंट ऑफ द सेल। क्या है ये ना, बाउंड्री है, ये क्या है, बाउंड्री है, बॉर्डर है, क्या है बताइए, ये बाउंड्री है सराउंडिंग के बीच में और सेल के कंटेंट के बीच में, ठीक है, सराउंडिंग और सेल कंटेंट के बीच में ये बाउंड्री, एक बैरियर खड़ा है, जैसे बाहर रोड वगैरह है, रोड के बीच में आपका एक बाउंड्री रहेगा, तो वैसा ही बाउंड्री है जो कि बाहरी चीज को अंदर आने नहीं देगा, ठीक है, तो वैसा ही ये है, ठीक है। इट फॉर्म ए बाउंड्री बिटवीन सराउंडिंग मीडियम एंड कंटेंट ऑफ द सेल। क्या है, इट फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन, क्या चीज के बीच में बाउंड्री बना रहा है बताइए, सराउंडिंग्स एंड कंटेंट ऑफ द सेल। सेल के कंटेंट और सराउंडिंग के बीच में वो एक बाउंड्री की तरह बिहेव करता है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका हम लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। जब माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो गया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, नॉर्मल जो लैब में माइक्रोस्कोप होता है आपके स्कूल वाले लैब में, उसमें क्लियर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं दिखा, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब डिस्कवरी हो गया, उसके बाद हम लोग सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाए। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल में बहुत सारा चीज पाया जाता है, सब चीज के बारे में पता लगा था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो गया था, उसके बाद ही। चलिए अब क्या है, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला बाउंड्री है, इसको हम लोग बोर्ड पे बनाते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग बोर्ड पे बना रहे हैं, ये जो बाउंड्री है इसको हम लोग बोर्ड पे बना रहे हैं, ठीक है। ये जो बाउंड्री है छोटा सा, ये जो सेल का जो बाउंड्री है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा जूम करके बोर्ड पे बना रहे हैं। ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग जूम करके देख रहे हैं, बड़ा करके देख रहे हैं। तो ये ऐसा होता है, देखते जाइए, ऐसा ऐसा गोल गोल बना होता है, इसमें दो पूंछ लटका होता है, ठीक है। ये जो दो गोल और पूंछ लटका हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिपिड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लिपिड बोला जाता है। और इसके बीच बीच में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कुछ प्रोटीन, इस सबको रब कर देता हूं, ठीक है, कुछ प्रोटीन बड़ा बड़ा भी होता है, ठीक है। ये जो लिपिड है ना, दो लेयर में पाया जाता है, कितने लेयर में, दो लेयर में पाया जाता है, कितने लेयर में, दो लेयर में पाया जाएगा। आपके बुक में इसका फोटो बना होगा, ठीक है। देखा हम लोग क्या बनाए, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग जूम करके देखे, ठीक है, बड़ा करके देख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ये सब जो आपको दिख रहा है ये क्या है, प्रोटीन है। ये जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, प्रोटीन है। बहुत सारा प्रोटीन होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोटीन होता है।
और सेल मेम्ब्रेन में और भी बहुत सारा चीज पाया जाता है जिसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है? इतना भी बहुत ज्यादा डिटेल में है, ठीक है? इससे ज्यादा डिटेल में जाने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? ये जो ये क्या बताइए, लिपिड है। लिपिड कितने लेयर में अरेंज है? दो लेयर में। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, दो पूंछ लटका हुआ, वो लिपिड है, ठीक है? कितने लेयर में लिपिड अरेंज है? दो लेयर में, डबल लेयर में, ठीक है? डबल लेयर में अरेंज है। इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, बाई लेयर लिपिड। क्या बोलते हैं? बाई लेयर लिपिड। लिपिड दो लेयर में अरेंज है, बाई लेयर लिपिड, ठीक है? समझ में आ गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज का बना हुआ है, जल्दी बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज का बना हुआ है? दो लेयर ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन से बना हुआ है, मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज का बना हुआ है? मेड अप ऑफ टू लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। लिपिड मॉलिक्यूल का कितना लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बताइए? दो लेयर। एक लेयर, दो लेयर, एक लेयर, दो लेयर। और इसमें कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑल्सो प्रेजेंट। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये पतला होता है, डेलिकेट होता है, ठीक है? डेलिकेट होता है, लचीला भी होता है, इलास्टिक होता है, लचीला, ठीक है? और एक वर्ड याद रखिएगा, यहां पर एक वर्ड यूज होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है? क्या चीज? सेलेक्टिव परमिएबल। कहीं पर भी परमिएबल लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है पास करना। तो जो आपका ये जो है सेल मेम्ब्रेन, इससे कोई सेलेक्टेड चीज ही पास करेगा, ठीक है? जो सेल के लिए जरूरत होगा वो इसके थ्रू पास करेगा, जो चीज का जरूरत नहीं है पास नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ये केमिकल आ रहा है, ठीक है? ये मान लीजिए सेल को जरूरत है तो इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। और ये केमिकल है जिस सेल को ये क्या है, जरूरत है, जरूरत है तो ये अंदर चला जाएगा। और ये सेल को जरूरत नहीं है, सेल का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? तो ये अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है? ये बाहर ही रह जाएगा। इसी को बोला जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल। जो सेलेक्टेड चीज है उसको अंदर ले आओ, जो चीज जरूरी का है उसको अंदर ले जाओ। इट ओनली अलाउ सब्सटेंस नीडेड बाय द सेल, ठीक है? सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब जो सेलेक्टेड चीज है वही सिर्फ अंदर में जाएगा, ठीक है? इट ओनली अलाउ सब्सटेंस नीडेड बाय द सेल। क्या होगा? इट ओनली अलाउज द सब्सटेंस नीडेड बाय द सेल। जो चीज सेल को जरूरत है वो अंदर जाएगा, जो चीज जरूरत नहीं है वो बाहर ही रह जाएगा, ठीक है? टू इंटर इट, अंदर की ओर इंटर करेगा, सेल टू इंटर इट। समझ में आता है इतना सबको? इतना आता है समझ में तो इसको छाप लीजिए। हो गया। सेल का जो ये मेम्ब्रेन है ना, इसके थ्रू कोई भी चीज ना ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा इंटर करता है। कोई भी चीज सेल के अंदर में कैसे इंटर करता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस से। किस प्रोसेस से, बताइए? ऑस्मोसिस, ठीक है? ऑस्मोसिस क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको कहाँ पढ़ना है? क्लास 9 का केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है, ठीक है? कोई भी चीज अगर सेल के अंदर जाना रहेगा तो कैसे मूव करेगा? मूवमेंट कोई भी चीज कैसे करेगा? ऑस्मोसिस के थ्रू। मूवमेंट कोई भी सब्सटेंस का कैसे होगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के बारे में आपको आइडिया है, ठीक है? नहीं आइडिया है, ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। ऑस्मोसिस का सिर्फ नाम याद रखिए, कोई भी चीज सेल के अंदर घुसेगा कैसे? ऑस्मोसिस। और भी प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से भी इंटर करता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? पूरा अगर ऑस्मोसिस पढ़ाने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, अभी मैं 9th में पढ़ा भी दिया, ठीक है?
अगर देखना होगा तो जाकर देख लीजिएगा। जैसे CO2 और O2 का जरूरत होता है सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये सब इंटर करता है, सेल को जरूरत होता है इसलिए, ठीक है। और ये जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन। जैसे होता है ना अगरबत्ती जो उड़ता है, अगरबत्ती का गंध हमारे पास आता है ड्यू टू डिफ्यूजन, राइट। बस इतना याद रखिएगा, इससे ज्यादा याद करने का जरूरत भी नहीं है। CO2 और O2 कैसे जाएगा, डिफ्यूजन। कोई भी सब्सटेंस मूवमेंट कैसे करता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इतना बस याद रखिएगा, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाइएगा। डिफ्यूजन क्या होता है पता है सबको, कोई भी चीज जो हायर कंसंट्रेशन से रहता है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की ओर कोई भी चीज जाता है हो गया डिफ्यूजन, ठीक है। क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल एकदम कॉमन समझिए, एकदम आसान एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए अगरबत्ती का कहीं गंध है, ठीक है, तो वहां पर गंध हायर अमाउंट में है, ठीक है, और जो हमारा सराउंडिंग है वहां पर कम गंध है, तो हायर से लोअर में आ गया, सिंपल एग्जांपल। तो कैसे होगा डिफ्यूजन प्रोसेस, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब जो अगरबत्ती का गंध आता है उसमें कोई भी एनर्जी का जरूरत नहीं होता है, इसको याद रखिएगा, नो एनर्जी रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है। ऑस्मोसिस होने के लिए कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी का आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देना नहीं पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है फंक्शन। हेडिंग डालिए कॉपी में, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होगा, तो कोई भी चीज को रेगुलेट करेगा अंदर और बाहर जाने में, रेगुलेट इन या आउट, कोई भी चीज को मदद करेगा, क्या करेगा, रेगुलेट करता है कोई भी चीज को अंदर जाने के लिए, इन या आउट, कौन चीज अंदर निकलेगा कौन चीज बाहर निकलेगा उसको रेगुलेट क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन करेगा, ठीक है। कंट्रोल एग्जिट एंड इंट्रेंस ऑफ सॉल्ट और वाटर, ठीक है, और क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, कंट्रोल्स एग्जिट एंड इंट्रेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सॉल्टी चीज है, कोई भी सॉल्ट है या वाटर है वो सब अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा उसको कंट्रोल करेगा, एंड थ्रो आउट ऑफ द वेस्ट, ठीक है, एंड थ्रो क्या चीज को करेगा, बाहर की ओर फेंक देगा कचरा को, जो वेस्ट रहेगा उसको बाहर की ओर निकाल देगा, क्या चीज निकालेगा, सेल मेम्ब्रेन निकालेगा। हेल्प टू मेंटेन प्रॉपर कंपोजिशन, ठीक है, सेल के अंदर प्रॉपर कंपोजिशन को भी मेंटेन करने में मदद करता है, मेंटेन प्रॉपर कंपोजिशन इनसाइड सेल, मेंटेन प्रॉपर कंपोजिशन, ठीक है, जो जो सेल के अंदर जरूरत होगा उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है, जो भी सेल में कमी रहेगा वो सब मेंटेन करने में मदद करेगा, और ये सेल को एक्सटर्नल इंजरी से भी बचाएगा, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, ठीक है, सेल में कोई इंजरी आने नहीं देता है, क्या चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको छाप लीजिए। अब हम लोग बातें करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, क्या चीज के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आई होप आप लोग नोट कर लिए होइएगा।
सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गया। सेल मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होगा? बैक्टीरिया में भी होगा, प्लांट में भी होगा और एनिमल्स में भी होगा। सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम होता है प्लाज्मा लेम्मा, और उसी का नाम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम लोग बातें करते हैं सेल वॉल के बारे में। अब नया हेडिंग लगाइए आप लोग, सेल वॉल। सेल वॉल, चलिए। सेल किसी भी शेप का हो सकता है, सबको पता है ये सब चीज। ठीक है, मान लीजिए ये सब शेप का सेल है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है बट बता दिया, जो मन है वैसा शेप बना दीजिए। ठीक है, बाहर जो कवर होगा इसका नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, या इसी का नाम है सेल मेम्ब्रेन। अगर ये एनिमल सेल होगा तो इसके बाहर और एक एक्स्ट्रा लेयर होगा। अगर एनिमल सेल होगा तो इसके बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर होगा। मान लीजिए ये एनिमल सेल है। क्या है? एनिमल सेल, एनिमल सेल है। ठीक है, तो इसके बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। पिछले ही वीडियो में मैं आपको क्या बताया था? पिछले वीडियो में नहीं, आज भी बताया कि प्लांट सेल में सिर्फ सेल वॉल पाया जाता है, ना कि एनिमल सेल में। जब मैं गलत बोलता हूं तो बताइए कि हाँ भाई यहां पर गलत है। ठीक है, तो एनिमल सेल में सेल वॉल होगा? नहीं होगा। कितने बार बताया अभी तक? 4-5 बार बता दिया। पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी भी बताया। अगर मैं कोई भी रिएक्शन शो नहीं करूंगा, इसका मतलब ये नहीं बोलिएगा कि एकदम सही ही चल रहा है। गलत क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछकर और कंफ्यूज करूंगा। ठीक है, तो एनिमल सेल के बाहर कोई भी कवरिंग नहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये भी एनिमल सेल है। ठीक है, इस शेप का कोई सेल होता नहीं है। मान लीजिए एनिमल सेल है तो इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होगा? होगा। सेल वॉल होगा? नहीं होगा। सेल वॉल क्या होता है? एक्स्ट्रा लेयर। ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो इसके बाहर इसमें क्या होगा? इसमें सेल वॉल होगा, बताइए? नहीं होगा। इसमें सेल वॉल होगा? सेल वॉल को हम लोग शॉर्ट में CW भी लिख देते। सेल वॉल होगा? नहीं होगा। मान लेते हैं ये प्लांट सेल है। ठीक है, क्या है? प्लांट सेल है, प्लांट सेल। तो इसमें सेल वॉल होगा? होगा। क्या होगा? इसके बाहर और एक एक्स्ट्रा कवरिंग होगा जिसका नाम क्या है? सेल वॉल। कहाँ गया मार्कर सब? यहाँ है। चलिए, इसके बाहर और एक एक्स्ट्रा कवरिंग होगा जिसका नाम क्या होगा? सेल वॉल। ठीक है, क्या है? सेल वॉल। अगर ये प्लांट है तो क्या होगा? और एक एक्स्ट्रा कवरिंग होगा जिसका नाम है सेल वॉल। देखिए, ऐसा हुआ क्यों? प्लांट को बाहर रहना पड़ता है। मान लीजिए बारिश आएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसा थोड़ी ना कि प्लांट घर में घुस जाएगा, वो मूव नहीं कर सकता। इसके वजह से इसके बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर आ गया जिसका नाम क्या है? सेल वॉल। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसको भी प्लांट सेल ही मानते हैं। ये मान लीजिए प्लांट सेल है, बताइए इसके बाहर और एक एक्स्ट्रा कवर होगा? होगा, जिसका नाम क्या होगा? सेल वॉल होगा। ठीक है, देखिए क्या होगा? सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया का एक सेल है। ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरियल सेल है। तो क्या ये है, बताइए? सबसे पहले क्या होता है हर एक सेल में? क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया के बाहर एक और लेयर होता है जिसका नाम है सेल वॉल। क्या होता है, बताइए? सेल वॉल होता है। क्या है, बताइए? नाम बताइए। सेल वॉल प्रेजेंट है। बैक्टीरिया के सबसे अंदर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिख नहीं रहा सही से, ये वाला जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद जो ब्लैक वाला है वो क्या है? सेल वॉल है। और बैक्टीरिया के बाहर एक और कवरिंग होता है। ठीक है,
क्या होता है, एक और कवरिंग होता है, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ये केमिकल है ग्लाइकोकैलिक्स, इसका नाम याद रखिएगा, ये ओलंपियाड में पूछे हुए था ग्लाइकोकैलिक्स। बैक्टीरियल सेल में तीन कवरिंग, सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तब सेल वॉल, तब ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। प्लांट सेल में कितना कवरिंग, चलिए रुक जाइए लिख देता हूं सब। एनिमल सेल में क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा? सिर्फ एक कवरिंग जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में क्या होगा, जल्दी बताइए? सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तब सेल वॉल। फिर आता है बैक्टीरियल सेल, ठीक है, जो बैक्टीरिया का सेल है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और क्या होगा? ग्लाइकोकैलिक्स, एक और केमिकल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ओलंपियाड में पूछे हुए है, कई बार ये क्वेश्चन पूरा पूछे हुए है। समझ में आ गया? अब बताइए सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, इवन बैक्टीरिया, ठीक है। कहां प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, ऐसा आपके बुक में लिखा होगा, ठीक है। एंड बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपके बुक में ऐसा लिखा हुआ है। किसमें प्रेजेंट है? तो केवल प्लांट में, बट ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है बताइए? प्रोटेक्शन देना। सेल वॉल क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। जैसे मान लीजिए आपको हम घर से निकाल दिए, बोलेंगे कि आपको घर में कभी इंटर ही नहीं करना है, तो क्या कीजिएगा बताइए? मान लीजिए आपको घर में इंटर ही नहीं करने दिया जाए, कहीं भी किसी भी आदमी के घर में इंटर नहीं करने दिया जाए, दो ही कंडीशन है, या तो बाहर सर्वाइव करो नहीं तो मर जाओ। तो बाहर अगर सर्वाइव कीजिएगा तो आपको बहुत सारा मॉडिफिकेशन करना होगा। तो वैसे ही प्लांट है, प्लांट को घर में नहीं घुसने दिया गया तो बेचारा बाहर खड़ा है, तो ये अपने बाहर एक और एक्स्ट्रा कवर चढ़ा लिया ताकि मर ना जाए, ठीक है। तो वही कवर क्या है? प्रोटेक्शन देता है, सेल वॉल। समझ में आता है सबको? सेल वॉल क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है। क्यों जरूरत पड़ा सेल वॉल को प्रोटेक्शन का? क्योंकि टेम्परेचर बाहर का बहुत हाई होता है, कभी टेम्परेचर बहुत लो होता है, अगर सेल वॉल रहेगा तो क्या करेगा? प्लांट उससे बच जाएगा, ठीक है। बहुत तेज हवा का झोंका बाहर चलता है तो उससे बचेगा, हाई विंड स्पीड, ठीक है। अगर तेजी से हवा चलेगा तो सेल वॉल क्या करेगा? प्लांट सेल को बचा देगा। हवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उससे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से। समझ में आता है सबको ये सब चीज? एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। अब हम लोग सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट भूलिएगा नहीं, ठीक है। जो जो मैं बताता हूं नहीं भूलने के लिए, उसको नहीं भूलिएगा, ऐसा नहीं है कि उसी को भूल जाइएगा, सब याद रहे वो भूल जा। सेल वॉल जो होता है बहुत ज्यादा कठोर होता है, कठोर के लिए हम रिजिड बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या कर रहा है? सराउंड कर रहा है, नजर आ रहा होगा, क्या कर रहा है? सराउंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ घेरे हुए, सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सेल वॉल होता है ना, ये नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है? नॉन लिविंग। सेल वॉल कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिविंग होता है, इसको याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग, सेल वॉल नॉन लिविंग, ठीक है। अब ये जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, मेड अप ऑफ केमिकल, जिसका नाम होता है सेलुलोज, ठीक है। प्लांट के केस में प्लांट का जो सेल वॉल होता है सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का अलग होता है, उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना, क्लास 9 में हम आपको पढ़ाएंगे डाइवर्सिटी चैप्टर में, ठीक है। सेल वॉल क्या चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है प्लांट का, जो कि स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है सेल को। क्या चीज प्रोवाइड कराता है? स्ट्रेंथ और रिजिडिटी। सेल वॉल मजबूत होता है, स्ट्रेंथ देता है, बल देता है, ठीक है, और रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, उसे कठोर बनाने में मदद क्या चीज करता है? सेलुलोज, जो कि एक केमिकल है, ठीक है। आप जो खाना खाते हो ना, खाना, ठीक है, डाइट, डाइट जो लेते हो, कोई भी खाना आप खाते हो, ठीक है,
प्लांट वाला जो आप खाना खाते हो उसमें जो रफेज होता है ना, वही है क्या चीज? सेलुलोज। हाँ, रफेज क्या है? रफेज जो आप खाते हो वो रफेज क्या है? सेलुलोज होता है, वही सेल वॉल है। जो आप रफेज खाते हो ना खाना में, वही सेलुलोज आप खा रहे हो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नीचे वाला रब कर देता हूँ। ठीक है, डाइट जो आप ले रहे हो उसमें क्या है? रफेज प्रेजेंट है, वही रफेज आप खा रहे हो सेलुलोज फॉर्म में। क्या एनिमल एनिमल सेल आप खाओगे तो उससे रफेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप मांस वगैरह खाइएगा तो उससे रफेज नहीं मिलेगा। रफेज का काम क्या होता है? रफेज अगर आप नहीं लीजिएगा तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, स्टूल पास ही नहीं होगा। ठीक है, लटक जाएगा। अब आता है सेल वॉल कैसा होता है। तो सेल वॉल जो होता है ना, फ्रीली परमिएबल होता है। ठीक है, क्या होता है? फ्रीली परमिएबल मतलब कोई भी चीज इसके अंदर इंटर कर जाता है आराम से, फ्रीली इंटर करता है। सब चीज नहीं बट लगभग लगभग चीज इसके थ्रू फ्रीली इंटर कर जाता है आराम से। ठीक है, ये जो होता है ना, ये सेल ही सिक्रेट करता है। इट इज सिक्रेटेड बाय द सेल। ठीक है, अब किसी किसी के मन में आ रहा होगा कि सेल वॉल बनता कैसे है। तो सेल वॉल बनता कैसे है? सेल के अंदर से बहुत सारा केमिकल निकलता है, वही बना देता है सेल सेल वॉल। ठीक है, सेल के अंदर से बहुत सारा केमिकल निकलता है, वही सेल वॉल को बना देता है। इट इज सिक्रेटेड बाय द सेल। ठीक है, सेल वॉल कैसे सिक्रेट होता है? सेल से ही। ठीक है, सेल वॉल का जो केमिकल है वो। ठीक है, और ये काम क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? ये जो पानी भरा होता है ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या है? साइटो प्लाज्म। ठीक है, ये क्या है बताइए? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इसको प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसका काम क्या होता है? फंक्शन पहले ही सब मैं लिख दिया बट फिर से लिख देता हूँ। फंक्शन क्या होता है? तो प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या करता है? प्रोवाइड सपोर्ट देता है और स्ट्रेंथ देता है। सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है, समझ में आ गया? सपोर्ट और स्ट्रेंथ। डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ द सेल। क्या करेगा? डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ द सेल। ठीक है, जो आपका प्लांट सेल है उसका साइज और शेप क्या देगा? सेल वॉल देगा। और एनिमल सेल का साइज और शेप क्या देगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन देगा। हो गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना सबको समझ में आया या नहीं आया? अब एक नया हेडिंग लगाइए कॉपी में, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सेल कैसा हो सकता है? किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ऐसा सेल बना दिए हम लोग, एक ऐसा बना दिए। ठीक है, एक ऐसा बना दिए। ठीक है, ये सब सेल हम लोग बना दिए। मान लीजिए ये है आपका एनिमल सेल, एनिमल सेल। ये है आपका प्लांट सेल। ठीक है, ये है आपका बैक्टीरियल सेल। समझ में आता है सबको? ये जो एनिमल सेल है इसमें कितना कवरिंग होगा? सिर्फ एक, और सिर्फ एक ही कवरिंग होगा एनिमल सेल में। कितना कवरिंग? सिर्फ एक कवरिंग। और जो आपका प्लांट सेल है उसमें कितना कवरिंग होगा? दो कवरिंग होगा प्लांट सेल में। क्या क्या होगा बताइए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन।
और बैक्टीरियल सेल में कितना कवरिंग होगा? 3 कवरिंग होगा। क्या क्या होगा बताइए? सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तब क्या होगा? सेल वॉल होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ग्लाइकोकैलिक्स का एक लेयर होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लिख दूं क्या ये सब? एनिमल सेल में एक कवरिंग, प्लांट सेल में एक और एक्स्ट्रा कवरिंग होगा, जिसका नाम क्या है बताइए? सेल वॉल। और ये जो प्लांट सॉरी बैक्टीरियल सेल है, उसमें 3 कवरिंग, ठीक है? ये क्या है? सेल वॉल है। अंदर में क्या रहेगा? अंदर में क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बाहर क्या होगा? एक ग्लाइकोकैलिक्स का भी लेयर होगा। क्या चीज का लेयर? ग्लाइकोकैलिक्स, याद रखिएगा इसको, ग्लाइको कैलिक्स का एक लेयर होगा, ठीक है? अब हम लोग बात कर लेते हैं एनिमल सेल के बारे में। समझ में आ गया? एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, सब में क्या है? बाहर कवर चढ़ा हुआ है, जिसको जैसा जरूरत पड़ा उसको वैसा कवर मिल गया, ठीक है? अब ये जो सेल का जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो जो चीज प्रेजेंट है, सबको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल का जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो जो चीज प्रेजेंट है, सब क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म क्या है बताइए? जो भी ऑल कंटेंट ऑफ द सेल को हम क्या बोल देते हैं? प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजे क्वाइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। इस टर्म को क्वाइन किए थे पुरकिंजे। किसने दिया था? पुरकिंजे। पुरकिंजे क्वाइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। टर्म प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म टर्म सबसे पहले कौन दिए थे? पुरकिंज दिए थे। इनका ईयर भी याद कर लीजिएगा, 1839। क्या है ईयर? 1839 ईस्वी में, ठीक है? इंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल को क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। क्या होता है? इंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल। कोई भी जो लिविंग सेल है, उसमें जो टोटल कंटेंट रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं, ठीक है? इंटायर कंटेंट में क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा बताइए? इसके अंदर क्या क्या आएगा जल्दी बताइए? साइटोप्लाज्म आएगा, ठीक है? साइटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर बस पानी भरा होता है, ठीक है? ये जो पानी जैसा स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या होता है? साइटोप्लाज्म। सब सेल में पाया जाएगा, ठीक है? इसमें भी पाया जाएगा। इसमें भी क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म में क्या सब होता है, सबके बारे में मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है? ये क्या है आपका? साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। अब क्या होता है, साइटोप्लाज्म में गोला गोला एक न्यूक्लियस पाया जाता है, बॉल जैसा स्ट्रक्चर, बॉल नुमा स्ट्रक्चर ऐसा, ठीक है? बॉल जैसा स्ट्रक्चर, इस बॉल जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं जल्दी बताइए तो? न्यूक्लियस, ठीक है? ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस हो गया, ठीक है? प्रोटोप्लाज्म में क्या आ गया? साइटोप्लाज्म आ गया, ये जो पानी भरा हुआ है, और बीच में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, वो भी आएगा प्रोटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज होता है इसके अंदर में प्रेजेंट है, सब सेल के अंदर में, ठीक है? जैसे मान लीजिए एक चीज होता है, इसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा चीज पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। जैसे आपके बॉडी में ऑर्गन प्रेजेंट होता है ना, ऑर्गन सब है, ठीक है? अलग अलग ऑर्गन है, जैसे स्टमक एक ऑर्गन, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब क्या ऑर्गन है? ऑर्गन है, ठीक है? तो वैसे ही ये जो सेल है ना, इसके अंदर भी ऑर्गन पाया जाता है, उसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है? जो कि न्यूक्लियस के अलावा होता है, वो सब क्या हो गया? ऑर्गेनेल्स हो गया, ठीक है? तो जो ऑल अदर ऑर्गेनेल्स होता है, सब इसके अंदर ही आता है, ठीक है? ऑल अदर ऑर्गेनेल्स क्या क्या होता है? ऑर्गेनेल्स, उस सब के बारे में आज हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है? ऑल अदर ऑर्गेनल्स, जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनल्स को हम बना लेते हैं, ठीक है? ये ऑर्गेनल्स हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल्स हो गया, इसको हम लोग अभी बनाए,
ठीक है, तो ऐसा ही बहुत सारा ऑर्गेनेल्स होगा। क्या क्या होगा, एक एक करके ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको, इंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल, ये जो सेल के अंदर जो जो चीज पाया जाता है सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर पूरा ऑर्गेनेल्स आएगा, चाहे कोई भी ऑर्गेनेल्स हो, साइटोप्लाज्म भी आएगा और न्यूक्लियस भी आएगा। ठीक है, इंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑल अदर ऑर्गेनेल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। आ गया समझ में सबको, आ गया होगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये जो फ्लूइड है बस उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ये जो फ्लूइड है इसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो टोटल स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल दिया जाता है, प्रोटोप्लाज्म। जो जो चीज इसके अंदर में प्रेजेंट है, ठीक है, जो सेल है इसके अंदर में जो भी कंटेंट है सबको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या है, इसमें स्पेसिफिक जो पानी भरा हुआ है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और सबको साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में इसीलिए कन्फ्यूजन था। ठीक है, दोनों सिनोनिम्स के तौर पर यूज कर दिया जाता है, बट यूज करना गलत है। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता क्या है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है ना, जेली सब्सटेंस होता है, जेल जैसा, जेल जो बाल में लगाते हैं ना, सेट वेट वगैरह, ब्रिल क्रीम, ये सब कैसा होता है, जेली सब्सटेंस, जेली सब्सटेंस, जेल जैसा होता है। ठीक है, जेली सब्सटेंस, इसका एक और नाम होता है साइटोप्लाज्म को, इसको हम लोग साइटोसोल भी बोल देते हैं, साइटोसोल। ठीक है, और इसको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइटो प्लाज्मिक मैट्रिक्स। इसका क्या क्या नाम होता है, साइटोसोल नाम होता है और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी इसका नाम होता है। ये पाया कहाँ जाता है, प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है साइटोप्लाज्म। देखिए, न्यूक्लियस हो गया और ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है आपका, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ये क्या है आपका, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, ये क्या है आपका, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी फ्लूइड भरा हुआ है सब क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, चलिए, मूवमेंट ऑफ मैट्रिक्स इन द साइटोप्लाज्म, इसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं। ये जो मैट्रिक्स है ना साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर रहा होता है, उसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, साइक्लोसिस, मूवमेंट ऑफ मैट्रिक्स इन द साइटोप्लाज्म। ये पूछे हुए ओलंपियाड में, क्या पूछे हुए हैं, मूवमेंट ऑफ मैट्रिक्स इन द साइटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है, इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ मैट्रिक्स इन द साइटोप्लाज्म नोन एज साइक्लोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइक्लोसिस। और एक चीज बोला जाता है, साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस बोला जाता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस बोला जाता है। ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसमें बहुत सारा छोटा छोटा ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है, उसके लिए हम ऑर्गेनेल्स बोल देते हैं, या ऑर्गेनेली भी उसे हम पढ़ते हैं। तो क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वेरियस ऑर्गेनेल्स इसके अंदर में पाया जाता है, वेरियस ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, जैसे कि ईआर। ईआर क्या होता है सबको पता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब क्या होता है इसके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें और भी बहुत सारा चीज होता है, गोल्गी बॉडीज भी होता है। क्या होता है, गोल्गी बॉडी। ये सब क्या एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइबोसोम होता है, लाइसोसोम, वैक्यूल होता है, राइबोसोम्स होता है, लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम, और भी बहुत सारा चीज होता है। खाली जगह होता है उसको हम वैक्यूल्स बोल देते हैं। ठीक है,
क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस भी इवन बोल दिया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस बट इससे अलावा होता है, और क्या है बताइए, और क्लोरोप्लास्ट छूटा हुआ, क्लोरोप्लास्ट इवन न्यूक्लियस को भी ऐड कर दीजिए, ठीक है, इसको कहे छोड़े, बेचारा रोने लगेगा, ठीक है, न्यूक्लियस को भी ऐड कर दिए। इस सब के बारे में हम लोग अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम आपको सबसे पहले पढ़ा देते हैं जो जो भारी टॉपिक है वो सब, हल्का वाला उसके बाद वाले लेक्चर में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा भारी है उसको अगले लेक्चर में हम पढ़ लेंगे, क्लोरोप्लास्ट भी अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे, राइबोसोम हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, ये तीनों अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद जो बचा है न्यूक्लियस वगैरह, और ये सब तो बहुत छोटा छोटा है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेंगे, दो तीन लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया, इसको छाप लीजिए। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हो गया इतना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या काम होता है साइटोप्लाज्म का, जो जो ऑर्गेनेल्स है सबको वो होल्ड करके रखता है, ठीक है, ऑर्गेनेल सबको होल्ड करके रखता है, फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का काम क्या है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, होल्ड सेल ऑर्गेनेल्स इन प्लेस, क्या करता है, होल्ड करता है सेल ऑर्गेनेल्स इन प्लेस, सेल ऑर्गेनेल सबको क्या करता है, पकड़ के रखता है, ऐसा ना हो कि भाग जाए, सब इधर उधर बिखर जाए, उसको पकड़ के रखता है। रिसाइकल अनवांटेड प्रोटीन, जो भी अनवांटेड प्रोटीन है उसको रिसाइकल कर देता है, रिसाइकल अनवांटेड प्रोटीन, जो प्रोटीन सेल को जरूरत नहीं रहेगा उस सबका रिसाइकल करेगा, जो गड़बड़ हो जाएगा सबको रिसाइकल करेगा। एंड अदर केमिकल्स इनटू यूजफुल मटेरियल्स, एंड अदर केमिकल्स इनटू यूजफुल मटेरियल्स, ठीक है, जो चीज यूजफुल रहेगा उसमें बना देगा, ठीक है, जो हार्मफुल रहेगा उसको यूजफुल बना देगा, फॉर द सेल, जो सेल के लिए जरूरत रहेगा, ठीक है, ठीक है, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं। ऑल लाइफ फंक्शन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ऑल लाइफ फंक्शंस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, आपका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ही सारा फंक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा फंक्शन होता है, ठीक है, बहुत सारा केमिकल बनता है, टूटता है, तो वो सब जो फंक्शन होता है कहाँ होता है, वो जो आपका फ्लूइड है उसी में होता है। इट प्रोड्यूसेस ऑल द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, क्या होता है फंक्शन, इट प्रोड्यूसेस ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है सबको वो प्रोड्यूस करता है। डेट आर नीडेड बाय द सेल, जो कि सेल को जरूरत पड़ेगा, डेट आर नीडेड बाय द सेल, जो सेल को जरूरत पड़ेगा सब चीज क्या होगा, बना लेगा, बाय ब्रेकिंग डाउन फूड मटेरियल इन इनसाइड द सेल, बाय ब्रेकिंग डाउन द जो खाना आप खाइएगा उस खाना को तोड़ तार के उसमें से बना लेगा वो सब, जो जो चीज सेल को जरूरत होगा वो सब, टेकन इन बाय द सेल, ठीक है। हो गया, यहीं पर हम आज के लेक्चर को समाप्त कर देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे राइबोसोम पार्टिकल के बारे में, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है, बस इतना ही पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।